नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले काफ़ी सारे ढेर सारी कमाल की गरमागरम न्यूज़ अपडेट के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ अपडेट जो है आपको इस वीडियो में आज फिर से मिलने वाली है। आगे वीडियो को जो है कम्प्लीटली यहाँ पर देख लें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो, लाइक कर दें वीडियो को जल्दी से और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट की बात करें तो Amazon इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है OnePlus 6T के काफ़ी सारे यहाँ पर चर्चे हमने कर लिए हैं। तो लॉन्च इवेंट से पहले ही या फिर कहें कि आने से पहले ही जो है प्री ऑर्डर बुकिंग आप 6T की कर सकते हैं। अगर अभी आप ये प्री ऑर्डर करते हैं तो USB टाइप सी वाला एक हेडफोन जो है, चाहे वो कौन सा भी हो, हल्का फुल्का जो भी है, अभी कंफर्म तो नहीं है कितना अच्छा यहाँ पर मिलने वाला आपको, लेकिन ये मिल जाएगा आपको बिल्कुल मुफ्त। अक्टूबर 30 को जो है मार्केट में तो आ ही जाएगा, तब तक देखते हैं और क्या यहाँ पर कमाल होता है। OnePlus 6T का वही काफ़ी बढ़िया सा जो है वाटर ड्रॉप नोच के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, काफ़ी बढ़िया मतलब सेटअप है। तो दीपावली के ऊपर एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि स्मार्टफोन परचेज करने का OnePlus 6T। लाइक कर दीजिए। Huawei Mate 20 की जो सीरीज है वो नए रेंडर्स यहाँ पर निकाल कर दिखा रही है कि एट्रैक्टिव जो है डिज़ाइन यहाँ पर मिल रहा है। अगर जल्दी कुछ यहाँ पर धमाका करता है Huawei लॉन्च इवेंट वगैरह करता है तो काफ़ी फ़ायदा जो है Huawei को भी हो सकता है, और Huawei की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर मैच नहीं होती है किसी दूसरे स्मार्टफोन या फिर मैन्युफैक्चर डिफेंड जो भी है यहाँ पर किसी पे डिपेंड ये नहीं कर रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार जो है Huawei की सीरीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, और साथ ही Huawei 5G के ऊपर काम कर रहा है। तो हो सकता है कि हिडन फीचर यहाँ पर दे दे 5G का, कि बताए नहीं बाद में अपडेट में हम यहाँ पर कमाल करके दिखाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, ज़रूर मिस मत करना। गूगल भी यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है एक मिस्टीरियस, काफ़ी मतलब एक टीसर यहाँ पर निकाल कर दिया है कि एक पिक्सल अल्ट्रा नाम से जो भी एक स्मार्टफोन गूगल की तरफ से निकल के आ सकता है। इसके अंदर नॉर्मल से काफ़ी बड़ी अभी 7 इंचेज की या फिर 7.1 इंचेज की डिस्प्ले हो सकती है। अभी तक सिर्फ यही पता चला है कि काफ़ी बढ़िया और बड़ी सी डिस्प्ले जो आपको इसमें मिल जाएगी। तो देखते हैं गूगल क्या कमाल यहाँ पर कर पाता है। वैसे 3XL जो पिक्सल सीरीज थी उसे तो लॉन्च होने से पहले यहाँ पर सेल हो रहे हैं हांगकॉन्ग के अंदर। अब इसके अंदर कौन सा यहाँ पर कमाल करेगा गूगल वो आने के बाद पता चल ही जाएगा। सैमसंग का जो एक्सिनोस 9820 CPU है, प्रोसेसर है, वो यहाँ पर काफ़ी कमाल कर रहा है। मतलब इसके साथ जो NPU निकल के आएगा, पहले भी हमने इसकी बात की थी, वो फर्स्ट का नहीं सेकंड जनरेशन का होने वाला है। ये सैमसंग के CEO ने जो है यहाँ पर कंफर्म किया है कि काफ़ी कमाल की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा 9820 CPU के साथ। तो एक अच्छी बात है वैसे तो, अगर देता है किसी बजट फ़ोन के अंदर ये वाला CPU, कमाल तो तभी होने वाला है, तभी तो काफ़ी सारे लोग जो है इसका अनुभव यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन ऐसा जो है सैमसंग तो करने वाला है नहीं। तो देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन निकल के आता है 9820 प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर सेकंड जनरेशन का एक NPU यहाँ पर लगाया हुआ हो, साथ ही बिक्सबी का भी सपोर्ट हो, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। लाइक कर दीजिए। एलोन मस्क ने जो है SpaceX रॉकेट को जो है लाइट अप कर दिया है पूरे कैलिफोर्निया की स्काई के अंदर, काफ़ी कमाल कर दिया है। फाल्कन 9 जो रॉकेट थी उसे सेटेलाइट ये SOCOM-1A अपने ऑर्बिट से जो है यहाँ पर हो सकता था कुछ भी, तो एक परीक्षण के दौरान यहाँ पर जो है उसे हवा में उड़ाया मतलब स्काई के अंदर, और फिर से उसे लैंड करा दिया जैसे कि बाहर से कोई उपग्रह आगे धरती के ऊपर लैंड हुआ। इस प्रकार से एयरफोर्स के एक बेस है वहां पर लॉस एंजलिस के अंदर यह कारनामा जो है कर दिया है फाल्कन 9 वाली रॉकेट ने, काफी बड़ी बात है। नासा भी जो है अभी तक समझ नहीं पाया होगा किस प्रकार से क्या कर दिया है। जो भी है साइंटिस्ट जो है यहां पर 3 लोगों के दिमाग को एक साथ कनेक्ट करके कुछ परीक्षण करने में लगे हुए हैं। अब साइंटिस्ट का मानना, अगर 3 लोग एक साथ मिलकर यहां पर काम करेंगे, नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि एक इंसान का माइंड 20% काम करता है पूरे 100% में से, और वैसे ही जो है 3 इंसान यहाँ पर ले लेते हैं जिनका माइंड 20% काम करता है, तो तीनों का यहाँ पर 60% हो गया। इतना सारा दिमाग अगर एक साथ काम करे तो साइंटिस्ट जाना चाहते हैं कि ये मतलब क्या हो जाएगा। अभी इसका नाम यहाँ पर दिया है ब्रेन नेट, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसी प्रकार से ब्रेन नेट नाम से जो है साइंटिस्ट ने इसका यहाँ पर नाम दिया। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं।
और वे कोलाबरेटिंग वगैरह किस प्रकार से हो पाती है तीनों दिमाग की, और क्या जो है यहाँ पर रिजल्ट निकल गया था, ये कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर कर पाते हैं या नहीं, देखना है। अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर बाकी है। फोटो फ्रेम प्रिंटर का नाम आपने शायद ही सुना हो या फिर नहीं भी सुना हो, लेकिन ऐसा ही यहाँ पर हुआ है लंदन के एक इवेंट के अंदर। ये फोटो फ्रेम प्रिंटर जो है $1.1 million में यहाँ पर सेल हुआ है एक ऑक्शन के अंदर। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, नॉर्मली एक फ्रेम के अंदर आपको एक सिंपल सी फोटो यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उसे किसी ना किसी तरह से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ होता है वायरलेसली। जब प्रिंट का ऑर्डर मिलता है तो वही वाली फोटो फ्रेम के अंदर जो पेपर लगाया हुआ है, जो कि डिस्प्ले हो रहा है नॉर्मली, वो नीचे की तरफ से निकल के वहाँ से आएगा और उसके ऊपर कुछ और यहाँ पर छपा हुआ होता है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है वैसे तो, अगर किसी को दिखाना हो तो एक बार तो जो है बंदा कन्फ्यूज़ हो ही जाएगा। काफ़ी बढ़िया ना। एक ऑटोमिको नाम की कंपनी है, ये लीड कर रही है $31 million सीरीज बी यहाँ पर फिनिश कर रही है डेवलपिंग यहाँ पर स्टार्टअप के साथ जो है, काफ़ी कुछ अलग अलग कमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो ह्यूमन आई रिसोल्यूशंस का एक AR और VR यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब आपको इस प्रकार के AR VR से लैस अगर कर दिया जाए, जैसे कि मुझे कर दिया जाए, तो मैं कहीं पर भी जो है किसी भी चीज़ को इसी दुनिया के अंदर हवा में मैं यहाँ पर देख पाऊँगा। तो ये एक ड्रीम टाइप हुआ करता था पहले, हम सिर्फ सोच सकते थे, लेकिन अभी जो है हम यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं इन डिवाइसेज के साथ। ये भी काफ़ी कमाल की जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकल के आई है, और वैसे भी जो है फ्यूचर में और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमाल होने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर BlackBerry Key 2 Alien Lite Edition जो है लॉन्च कर दिया गया इंडिया के अंदर। इसके अंदर ब्लैकबेरी का जो क्लासिक फिजिकल कीबोर्ड है वो दिया गया है, स्नैपड्रैगन 636 का इसमें सपोर्ट है, और 29,990 रुपये जो है इसकी प्राइस रखी गई है। मुझे नहीं लगता ये एक बढ़िया सौदा हो सकता है, बढ़िया ऑप्शन नहीं है। इससे काफ़ी सारे अलग स्मार्टफोन जो है इतनी प्राइस के अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर कमाल करके आपको दे देंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये और ऐड करते हैं तो OnePlus 6 या फिर 6T आप ले सकते हैं, वो भी कमाल के स्मार्टफोन है। सेमी ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर डेवलप किया है ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने। अब जो बैंडेबल स्मार्टफोन है जिन्हें आप बैंड कर सकते हैं, उस स्मार्टफोन को बनाने में इतना आसान यहाँ पर काम हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है तैयार कर लिया गया है। जो सेमी कंडक्टर वगैरह थे जिनको यहाँ पर किस प्रकार से लगाया जाए, क्या किया जाए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। बैंडेबल स्मार्टफोन जो है 2 साल के बाद आपको आम होते हुए नज़र आने वाले हैं, बिल्कुल हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर Pixel 3 XL इंडिया में लॉन्च कब हो रहे हैं, इसकी एक डेट का आइडिया लगा है, यहाँ पर October 22 बताया गया है। तो October 22 को देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन गूगल की तरफ से निकल के आता है, या फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। एक आइडिया मैच यहाँ पर लगाया गया है कि एक ही लॉन्च इवेंट के अंदर इंडिया के अंदर गूगल पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल जो है लॉन्च किए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताएं जरूर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडो 10 की जो अक्टूबर 2018 वाली अपडेट थी, जिसके अंदर कुछ बग थे, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के यूजर मतलब डेटास थे जो कि पर्सनल डेटास थे वो डिलीट हो गए। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला कि अपडेट को हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपके डेटा हम पर वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा डायरेक्ट जो है डिलीट हुए हैं, इरेज हो गए हैं और किसी सर्वर के ऊपर सेव यहां पर नहीं किए गए हैं। तो वो हम यहां पर वापस से नहीं दे सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग सॉरी बोला, ये समझ लीजिए। फेसबुक भी जो है फेक क्लोन वाली समस्या से अभी गुजर ही रहा है, मतलब आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है फेसबुक की तरफ से, या फिर कहीं पर कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता है, पता नहीं कहाँ से आती है, कोई रोबोट भेज रहा है, उसे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी जो फेसबुक आईडी है उसका सेम टू सेम जो है उस बंदे को यहाँ पर क्लोन चला जाता है और वो यूज कर सकता है, एक प्रकार से आपकी यहाँ पर आईडी को यूज कर रहा है। इस प्रकार का जो आप बग फेसबुक के ऊपर आया हुआ है, डुप्लीकेट फ्रेंड यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो वायरल हो जाता है, इधर उधर जो है गलत यहाँ पर काम किए जाते हैं वायरस आईडी से, बिल्कुल गलत है ये। काफी सारे यहाँ पर होते हैं, अभी तक मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट की। स्मार्टफोन्स जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर आप खरीदते हैं, जल्दी जो है स्मार्टफोन्स के साथ आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर मिलने वाला। अगर आपके स्मार्टफोन के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए तो फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। वाटर डैमेज या फिर फिजिकली डैमेज या फिर गिरकर टूट गया, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर आपको जो है नया स्मार्टफोन मिल सकता है,
फिर उसे रिपेयर करके दे सकता है उतने इंश्योरेंस के अंदर। इंश्योरेंस प्राइस लगभग 1,000 से 1,500 के बीच यहाँ पर रह सकती है एक साल की, लेकिन इतने पैसे देकर हम आराम से जो है खुश रह सकते हैं बिना टेंशन के कहीं पर स्मार्टफोन गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आप 100 रुपये पर मंथ दे ही सकते हैं, मतलब 3 रुपये लगभग डेली के यहाँ पर बनते हैं। इतने रुपये में, मतलब 3 रुपये में आराम से जो है हम सिक्योर हो सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहा ना ये सफ़र भी न्यूज़ अपडेट का। आशा करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करते वीडियो को, शेयर करते मेरे फ्रेंड्स को, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।